हेलो फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आज हूँ। मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि आप मेरे पहले वीडियोस को देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो को आप देख सकें। देखिए, हमारा एक सीरीज़ ऑफ वीडियो हम हमेशा अपलोड कर रहे हैं। एक वीडियो के साथ दूसरे वीडियो का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, तो आप उस क्रम में उसको देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम फिर से आपके साथ डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जो है, बहुत लोग हमें पूछते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला एक सवाल होता है, बहुत लोग मैसेजेस करते हैं, कंसल्टेशन करने आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैं आज आपको एक बताऊंगा, टूथपेस्ट के बारे में कुछ बातें आपके साथ में आज साझा करूंगा। देखिए, जब भी आप कोई टूथपेस्ट यूज़ करें तो जो मार्केट में सिंपल जो टूथपेस्ट है, जो एकदम ट्रेडिशनल टूथपेस्ट है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, बेसिक चीज़ें हैं, जो एकदम सिंपलफाइड टूथपेस्ट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट बिना अपने डेंटल सर्जन के रिकमेंडेशन के बगैर उसे यूज़ ना करें, क्योंकि कोई भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मेडिकेशन होता है जो कोई पर्टिकुलर कारण से होता है। अगर आप उसे अनायास ही यूज़ करेंगे तो आपके बॉडी में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में उस चीज़ का रेजिस्टेंस पैदा कर दे, बाद में जब उस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो काम ना करे, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी आप कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट अगर यूज़ करते हैं तो आप अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही उसे इस्तेमाल कीजिए। बच्चों के लिए हमेशा याद रखिए, 6 साल से नीचे एकदम सिंपल टूथपेस्ट आपको यूज़ करना है जिसमें कोई मेडिकेशन एडेड ना हो। बेटर है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही, अपने डेंटल सर्जन से कंसल्ट करके ही अपने बच्चों को टूथपेस्ट यूज़ कराएं। बच्चों के लिए टूथपेस्ट आते हैं वो डिफरेंट टूथपेस्ट होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक होता है, एज स्पेसिफिक होता है। अपने मन से या किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन से, अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन से उसे आप यूज़ ना करें, उससे बहुत नुकसान पहुँच सकता है। अभी मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं कि एक टूथपेस्ट आप यूज़ कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपका मुंह एकदम बहुत अच्छा रहेगा, आपके दांत एकदम बहुत हेल्दी रहेंगे, यहाँ तक कि आप दांतों से अखरोट भी तोड़ सकेंगे। ऐसा कुछ कुछ अजीब तरह का मार्केटिंग प्रोपागंडा वाले टूथपेस्ट आपको मार्केट में आजकल दिखेगा। मेरा जेन्युइन एडवाइस, अगर आप लेंगे, ऐसा कोई टूथपेस्ट नहीं है जो आपके टोटल ओरल हेल्थ का एब्सोल्युटली केयर ले सके बिना आपके प्रॉपर एफर्ट के, या आपके प्रोफेशनल हैं जो इस चीज़ के, जो आपके डॉक्टर है, जो डेंटल सर्जन है, उनके इंटरवेंशन के बगैर 100% आपके ओरल हेल्थ को सही रखेगा, ऐसा कोई टूथपेस्ट अभी बना ही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आने कई सालों में ऐसा कुछ हो पाएगा। तो ये बिल्कुल एक मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है, इसके फंदे में आप ना पड़े, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने इनिशियल सिम्टम्स साइंस को इन टूथपेस्ट के मदद से दबा लिया, और बाद में जब वो चीज़ काफ़ी गहरी हो गई, वो हमारे पास आए, उनको लगा कि नहीं, ये हमने गलत किया। तो कोई भी टूथपेस्ट आप समझ लीजिए, टूथपेस्ट है एक मीडियम आपके ब्रशिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं, उसके स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होते हैं बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, और बड़ों के अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन ऐसा कोई टूथपेस्ट नहीं है जो एक टूथपेस्ट आप यूज़ कीजिए और आपके मुंह में कैविटी होना बंद हो जाएगा, एक टूथपेस्ट आप यूज़ कीजिए उससे आपका मसूड़ा में कोई किसी तरह का डिजीज़ नहीं होगा, मसूड़े से खून आना बंद हो जाएगा। देखिए, ये एक टूथपेस्ट जो होता है कि आपके मसूड़े से खून आना बंद हो जाता है, बेसिकली क्या है, जो मसूड़े से आपका खून आ रहा, मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि किसी न किसी इन्फेक्शन के वजह से वो आ रहा है। आपने क्या किया, एक ऐसा टूथपेस्ट आप यूज़ किए जिसमें एस्ट्रिंजेंट या स्ट्रिप्टिक्स एडेड हो, वो क्या करता है, वो लोकल ब्लड लॉस को रोकता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, वो जो मसूड़े में इन्फेक्शन है उसे सॉल्व नहीं करता है, वो ऊपर से जस्ट उस ब्लीडिंग को सील कर देता है। तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमने क्या किया, एक जलता हुआ आग के ऊपर में कपड़ा डाल दिया, अंदर चीज़ सुलग रही है। तो किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट्स ना लें, अपने डेंटल सर्जन को ज़रूर कंसल्ट करें। कंसल्ट करने के बाद आपको वो जो टूथपेस्ट सही बताते हैं आप उसे इस्तेमाल कीजिए।
लेकिन अपने से या किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन से ये पेस्ट ना यूज़ करें। प्लस कोई भी इस तरह का एडवर्टाइजमेंट पे ना जाएं, जो प्रोपागेंडा एडवर्टाइजमेंट किसी भी माध्यम से आप तक पहुंच रहा हो कि एक टूथपेस्ट आप यूज़ कीजिए और उससे सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मैं फ्रेंड्स, मैं बहुत जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, ऐसा कोई टूथपेस्ट अभी तक नहीं बना है जिसे आप आराम से लगा लीजिए और उसके बाद आप ओरल हेल्थ का कोई केयर मत रखिए, वो वैसा ही रहेगा। ऐसा टूथपेस्ट नहीं बना है। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके कई मिथ्स को ये ब्रेक करे और आपके ओरल हेल्थ को बेटर रखने में मदद करे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सब्सिक्वेंट वीडियोस हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे लेकर के आएंगे। थैंक यू।